हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आप सभी का कल्ढोने किचन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूं। और ये वाली मिठाई आप बस 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना तो इसमें आपको गैस चलाने का झंझट होगा और ना ही इसमें घी, खोवा या चाशनी की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत ही कम सामान में झट से बनने वाली ये मिठाई की रेसिपी है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ हमने एक कटोरी ले ली है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। ये आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएगा। आप चाहे तो जो सूखा नारियल होता है ना, उसे भी घर पर बारीक कर सकते हैं। और सेम ही कटोरी से हम डालेंगे आधी कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, बस आप जो बेबी मिल्क पाउडर रहता है ना, उसे यूज ना करें। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा टूटी फ्रूटी। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच ठंडा दूध। आपको इसमें ये ध्यान देना है कि दूध गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या तो रूम टेम्परेचर में हो या बिल्कुल ठंडा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पीसी हुई चीनी। तो चीनी डालते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चीनी इसमें ज्यादा क्वांटिटी में ना हो। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा और दूध डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी से भी कम दूध यूज किया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दूध थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालें। और अगर आपको लगे कि आपकी मिठाई का मिश्रण पतला हो गया है, तो आप 1 से 2 चम्मच नारियल का बुरादा और इसमें ऐड कर दीजिए। अब ये देखिए, मिठाई हमारी अच्छे से बाइंड हो गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसे मैं इस तरह का एक स्क्वायर शेप दूंगी। आप जिस भी शेप में चाहे इसे बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैं लूंगी बटर पेपर। आप चाहे तो फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप प्लेन पॉलीथीन होती है ना, वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इस बटर पेपर में अपनी ये मिठाई इस तरह से रखूंगी और इसमें इसे अच्छे तरह से सेट कर दे। जब आप इसको बटर पेपर पर रोल करोगे ना, तो इसके साथ ही साथ इसका शेप भी सेट करते जाना है। इसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए, अब 10 मिनट हो गए हैं। इसको 10 मिनट के बाद निकाल लेंगे। अब ये जो बटर पेपर है उसको इसमें से धीरे धीरे हटा लेंगे। ये देखिए, देखकर ही पता चलता है कि हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। इसके बाद देखिए, इस तरह से मैं इसके पीस कर लूंगी, पर इसको थोड़ा सा हम दोनों साइड से क्लीन कर लेंगे। और जब भी आप इसे पीस करो तो चाकू को क्लीन करते जाइए, ताकि आपकी मिठाई के जो पीस है वो एकदम क्लीन निकलेंगे। बहुत ही जल्दी 5 मिनट में इस मिठाई को आप बना सकते हैं। ये बनती भी बहुत टेस्टी है। और ये एक पीस तोड़कर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनी है। इसमें ना बिल्कुल मावा वाला फ्लेवर आता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी ही हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।